ये झूले लग रहे हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज का है कुछ। चलो जी बढ़िया है, एक्सरसाइज करने अपने यहीं आ जाया करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आइए अच्छे ही होंगे। चले करते हैं दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हो चुकी है, पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी है, कीवी जा चुके हैं स्कूल, तो अब इंजीनियर साहब सो रहे हैं, तो बस जैसे ही वो उठते हैं उनसे फटाफट से नाश्ते के लिए पूछूंगी कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे, क्योंकि आजकल तो उन्होंने नाश्ता करना ना अपना स्किप ही कर दिया थोड़ा। क्या बात कर रहे हैं? लेट उठते हैं, बस फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, वो नाश्ता करते ही नहीं है। और कीवी को मैंने दिया था आज आलू का पराठा बना के, तो वो चला गया है स्कूल। तो बस जी फटाफट से पहले बच्चों को उठाते हैं, फिर अपना किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या बनाती हूँ आज, क्योंकि लंच की आज मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। चीटिंग करता है तू। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आज वो खाने में क्या खाएंगे, तो फिलहाल वो अभी जब वो उठ जाएंगे ना तो उनसे पूछूंगी कि आज वो खाने में क्या खाएंगे। और आज मेरा थोड़ा पार्क में जाने का मन भी है, चल छुट्टी तो आज पार्क में जाएंगे, जब कीवी स्कूल से आ जाएगा ना तो मैं पार्क में जाऊंगी। अब ये नहीं पता कीवी को लेके जाऊंगी या मैं ऐसे ही जाऊंगी। कीवी, और देखिए गाइस कीवी ना आगे आगे भागे जा रहा है, मैंने इसको इतना समझा लिया है ना, बट फिर भी मानने का नाम नहीं है इसको, समझने का नाम ही नहीं है इसको। आ गया है क्योंकि इसको पता चला है ना कि डैडी देखेंगे वीडियो, है ना, इसलिए आए हो ना। हेलो दोस्तों, अभी हम ट्यूशन जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इसको आज हम ट्यूशन जा रहे हैं। दोस्तों आज हम ट्यूशन जा रहे हैं, और मैं पहली बार अभी स्कूल भी गया था, अब ट्यूशन जा रहा हूँ। मिलता ट्यूशन में, बाय। और पता नहीं डेली की डेली क्या करके रखते हैं, समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, इनको कैसे लेके जाऊँ मैं, ये समस्या है। जगह हेलो, कैसे हो? अभी आए नहीं स्टूडेंट? चलो पार्क चलते हैं, बच्चों को छोड़ दो यहीं। अब डैडी से बोलिए, बोलता क्यों नहीं है डैडी से? क्या ठीक करवाना है? साइकिल का टायर खराब हो रहा है, मुझसे ही बोलता है, बस अपने डैडी से कुछ बोलता नहीं है। चलो ठीक है ना, बाय। मैंने रीड करा दिया था जो आपने बोला था ना, रीड रिटर्न नहीं करवाया लेकिन रीड करा दिया। एक दो बार रीड करेगा ना तो है वगैरह इसको आ जाएंगे ऐसे। ओके बाय बाय लड्डू, बाय। ओके, मैंने कीवी को ट्यूशन छोड़ आई हूँ, और मन कर रहा है कि पार्क में चली जाती हूँ घूमने के लिए, तो मैं सीधा ट्यूशन छोड़ के ना और पार्क में जा रही हूँ। और गाइस देखो ये जो गली है ना, यहाँ से हम स्कूल में जाते थे, 9th 10th 11th 12th, मैं इन गलियों में से ही जाती थी। यहाँ पे आती हूँ ना तो बिल्कुल अपने बचपन की तो नहीं, लेकिन हाँ याद बहुत आ जाती है स्कूल टाइम की। ये मेरा स्कूल था, यहाँ से मैंने 12th करी है, 9th 11th 10th 12th, ये सब मैंने यहीं से करी है। आ गया है हमारा पार्क। और गाइस ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शायद यहाँ पे नए नए ना झूले लग रहे हैं बच्चों के लिए। चलो पहले यही चल के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये रखे हैं, तो सब प्लास्टिक के हैं, बच्चों के खेलने का सामान रखा है, और ये सब ना भी यहीं पे लगेंगे। ये झूले लग रहे हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज का है कुछ। अच्छा वहाँ पे भी लग रहा है, वहाँ पे लग रहे हैं एक्सरसाइज का। अच्छा वहाँ पे लगेगा, अच्छा यहाँ पे झूले लगेंगे। चलो जी बढ़िया है, एक्सरसाइज करने अपने यहीं आ जाए करेंगे। अच्छा वो वाले हो आप? ओके अच्छा अच्छा, अब तो तुम लोगों के मजे आ जाएंगे हैं, झूले लग गए यहाँ पे, स्कूल भी नहीं जाओगे अब तो तुम। जाएंगे आज तो स्कूल होगा, क्यों नहीं गए हो स्कूल? चला ब्रो। चलो जी हमारा तो यहाँ पे फायदा होने वाला है, अभी यहाँ पे ना एक्सरसाइज मशीन भी लगेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पे बच्चों का खेलने का लग चुका है, तो फिलहाल मशीन जब लगेंगी, फिलहाल हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। मैं तो ना यहीं आ जाया करूँगी कीवी को छोड़ के ना, और यहीं पे एक्सरसाइज कर लिया करूँगी। घर पे तो ना मन नहीं करता बिल्कुल भी करने का,
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुबह गाइस एक्सरसाइज कर ली थी। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन आज मैं ना मैंने सिर्फ आधे घंटे की की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है गाइस, बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब लड्डू के डैडी को तो टाइम मिल जाता है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई काम हो या ना हो, बच्चों को कोई देखे ना देखे, उन्हें तो अपना जिम जाना है। बट ना लेडीज़ को तो ना सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लगेगा एक्सरसाइज का, एक उधर भी पार्क है फ्लैटों के पास, उसमें तो है एक्सरसाइज का बट इसमें नहीं था, बट अब इसमें भी होने वाला है। यहाँ पे मशीन्स लग रही हैं क्या? ये बच्चों के लिए बना रहे हैं ताकि बच्चे झूल सके। अच्छा, और वहाँ पे जिम वगैरह लगाएंगे। हमारे मुकेश बंसल जी है ना, अच्छा, ये उन्होंने मतलब की जो फंड वगैरह आता है बच्चों के लिए, पार्क वारकों के लिए, ये उनके लिए बच्चों की, ताकि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, इच्छा पूरी हो जाए, बच्चों की इच्छा पूरी हो जाए, बच्चों को झूले चाहिए होते, इंसान को बड़े को एक्सरसाइज की मशीन चाहिए, वो दोनों लगवा दी। अच्छा, तो कौन लगवा रहा है ये सब? जी मनोज बंसल जी है जी, आपके निगम पार्षद है जी, ज्योति नगर के। अच्छा, वो करवा रहे कर रहे। अच्छा, अब इनका काम एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। आप भी बनाते हो क्या? हाँ, हम लोग बनाते हैं। ब्लॉग का नाम बता दीजिए, कीवी ब्लॉग्स। चलो हम फॉलो कर लेंगे आपको भी, KIWI कीवी। ठीक है जी, तो चलो जी हमें यहाँ पे चलो पार्क में आने का एक फायदा तो हुआ, पूरी जानकारी मिल गई है कि ये कौन करवा रहा है। चलो जी अब चलते हैं घर, बहुत घूम ली मैं पार्क में, क्योंकि यार अभी जल्दी घर ना गई ना इंजीनियर साहब का ना मुंह फूल जाएगा ऐसे, क्योंकि वो ना अपनी जिम जाने की तैयारी कर रहे होंगे। बोल रहे थे कि बस फटाफट से चक्कर लगा के ना 8-10 और आ जाइयो, मेरे 8 चक्कर लग चुके हैं। मन तो बहुत कर रहा था कि और लगाने का, लेकिन डर उनका भी है ना, बस उनका मुंह नहीं फूलना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए बस उनका मुंह नहीं फूलना चाहिए गाइस। तो चलो जी चलते हैं घर पे, घर जाऊंगी फिर बच्चों को लेके आऊंगी ट्यूशन से। तो गाइस मैं आ गई घर पे, देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन है। अश्लील है ये लोना। रेडियो तो गाइस देखिए, मैंने बोला था ना कि वो जिम के लिए रेडी हो रहे होंगे, दिखाना अपना मुंह, फूला तो नहीं अब तक। मजे आ गए पार्क में, वो लगने लग रही है एक्सरसाइज मशीन और झूले। हाँ, एक ग्राउंड में तो जो कच्चे वाला ग्राउंड था उसमें तो झूले लग रहे हैं बच्चों के बड़े बड़े। जिम कैंसिल। पार्क में जिम करेंगे, यस। और एक तरफ लग रहे हैं मशीनें, लगाने लग रहे हैं, लग जाएंगे कल तक। अच्छा, कितने मशीनें आई हैं? 4-5-6 हैं। 5-6? हाँ, और 5-6 झूले हैं बड़े बड़े। चलो बढ़िया। मैं तो 10 चक्कर लगा के आती, बस 8 चक्कर लगा के आई हूँ आपकी वजह से। सात मेरी वजह से? आपकी वजह से सिर्फ 8 लगा के आई हूँ, 10 चक्कर लगा के आती मैं। तो जाओ दो वापस लगा के आना। बस अब क्या लगा के आना। और मैं गई थी पार्क में कीवी को ट्यूशन छोड़ने के बाद, तो मैंने देखा ना वहाँ पे बहुत सारे झूले और मशीन्स लगी हुई हैं, मतलब लगेंगी, मैंने आपको दिखाया भी था। और वो ना मैंने अब टुक्कू को बता दिया और कीवी को बता दिया है। कीवी तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि मम्मी मेरे को लेके नहीं गई, लेकिन टुक्कू बहुत खुश हो गया है, और कीवी फिर बाद में खुश हो गया, बोल रहे हैं कि हमें तो इतना, हम मम्मा हमें लेके जाना, हम ना बहुत इंजॉय करेंगे। क्या कह रहे थे टुक्कू बता? बहुत इंजॉय करेंगे, मम्मी आई हूं, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, जब तक वहाँ पे झूले मशीन लगी भी नहीं है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, ऐसे और भी बोल रहे होंगे, पता नहीं उन झूलों का उन मशीन का होगा क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बच्चे ना उनको तोड़ फोड़ के ना ओवर एक्साइटेड हो रखे हैं गाइस, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड। गाइस ये एक्साइटेड नहीं हो रहे, मतलब हो रहे हैं, बट मैं भी इनसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखने के लिए कि मशीन कैसे कैसे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, मेरे पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक फॉर वॉचिंग।